नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा उगाही गैंग आजकल एक्टिव है जो भी पॉलिसी बनाई जाती है दिल्ली सरकार के अंदर उसमें आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का गैंग कहीं न कहीं ये कोशिश करता है कि इस पॉलिसी से आम आदमी पार्टी के फंड में कितने पैसे आएंगे उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल और उसका गैंग इस पॉलिसी से कितना पैसा कमाएगा चाहे एक्साइज पॉलिसी की ही बात कर लें, जिसमें घोटाले के नए नए सबूत अभी सामने आ रहे हैं उसमें मनीष सिसोदिया अभी भी जेल के अंदर है कई आरोपी बेल के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं लेकिन उन्हें बेल नहीं दी जा रही है और कोई भी ऐसा मंत्रालय विभाग नहीं है अरविंद केजरीवाल की सरकार में जहां पर उगाही ना हो रहे हों जिसमें घोटाले के सबूत नहीं मिले हों चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो पीडब्ल्यूडी हो या फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट पर कब्जा करने का तरीका हो या फिर जो अरविंद केजरीवाल जिस घर में रह रहा है उसमें जो करोड़ों का खर्च किया गया हो उसमें हो या फिर स्नूप गेट कांड हो कोई भी मंत्रालय विभाग ऐसा नहीं है जिसमें एक एक घोटाले नहीं मिले हैं दस से ज़्यादा घोटाले के बड़े सबूत अभी तक सरकार के पास केजरीवाल के खिलाफ हैं लेकिन इस बीच एक और नई पॉलिसी बनाई जा रही है और उस पॉलिसी में भी पूरा कोशिश की गई है कि इसमें कैसे वसूली की जाएगी और अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें वसूली क्यों नहीं की जा रही है और पैसे आम आदमी पार्टी को नहीं मिल रहे हैं केजरीवाल को नहीं मिल रहे हैं यह विभाग और है जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय कहा जा सकता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पहले भी एक बड़ा घोटाला हुआ था क्लस्टर बसों की खरीद में उसकी जांच अभी चल रही है लेकिन इस बीच एक और नया तरीका अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया है कि एक और पॉलिसी बनाई जाएगी जो केजरीवाल की उगाही का नया तरीका होगा यह पॉलिसी है दिल्ली के अंदर चल रहे बाइक टैक्सी सर्विसेज बाइक टैक्सी सर्विसेज से लोगों को फायदा हुआ क्योंकि जो लोग कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो लोग कार टैक्सी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि 20 किलोमीटर जाने के लिए चार से पाँच सौ रुपया खर्च कर सकें उनके लिए बाइक सर्विस था और एक सिंगल व्यक्ति बाइक सर्विस का उपयोग कर सकता था उसमें रोजगार भी नए मिले थे लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो उससे फायदा दिखाई नहीं पड़ा और इसलिए ओला उबर और साथ ही रैपिडो जैसे बाइक सर्विस चलाने वाली जो कंपनियां हैं उससे केजरीवाल की के डील नहीं हुई तो फिर इसने बाइक सर्विस पर रोक लगा दी प्रतिबंध लगा दी बहाना क्या बनाया गया कि बाइक जो पर्सनल व्हीकल है उसका इस्तेमाल कॉमर्शियल तरीके से नहीं की जा सकती है यानी बाइक से न तो पैसेंजर ढो सकते हैं न ही जोमेटो के जैसे जो फूड डिलीवरी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है नहीं पिज्जा में जो बाइक का इस्तेमाल होता है पिज्ज़ा डिलीवरी के लिए या फिर दूसरे सामानों के अमेजन हो या फिर कोई भी ऑनलाइन सर्विसेस हो इंस्टामार्ट से लेके दूसरे स्विगी तक सारे के सारे जो बाइक का इस्तेमाल डिलीवरी के लिए करते हैं उसका भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी थी लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत जो की गई वो बाइक टैक्सी से की गई और ओला उबर रैपिडो जो बाइक सर्विसेज देते थे उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया इससे परेशानियां बढ़ी और ये लोग कोर्ट में चले गए क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना था कि ट्रांसपोर्ट एक्ट जो है उसके सेक्शन 66 और 86 में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर पर्सनल गाड़ियों का खासकर बाइक का इस्तेमाल अगर कॉमर्शियल तरीके से करते हैं तो उसके लिए परमिट लेना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या कंसर्न ऑथोरिटी से कंसर्न ऑथोरिटी मतलब दिल्ली सरकार के किसी भी ऑथोरिटी से जो ट्रांसपोर्ट विभाग को संभालता है जो परमिट देता है परमिट राज का मतलब है कि परमिट लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे और ये ओला उबर और रेपिडो जैसी बड़ी कंपनियां अरविंद केजरीवाल के सामने झुक नहीं रही थी पैसे नहीं दे रही थी इसलिए इन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और सेक्शन 66 और 86 का हवाला दिया गया जिसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी वाहन यानी कि व्हीकल को जो प्राइवेट नंबर से रजिस्टर्ड है अगर उसका इस्तेमाल कॉमर्शियल तरीके से यानी पैसेंजर्ड होने या फिर किसी भी तरह का गुड्स डिलीवरी के लिए करना है तो उसके लिए परमिट लेना पड़ेगा अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते दूसरे स्तर पर 86 में भी, सेक्शन 86 में भी इसी तरह का जिक्र है कि अगर सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए ऑथराइज करती है परमिशन देती है लाइसेंस देती है तभी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वरना नहीं किया जा सकता है लेकिन इसमें और जो अभी काम चल रहा है उसमें दोनों में काफ़ी अंतर थे ये जो कंपनियां हैं रजिस्टर्ड कंपनी है और ये पहले से टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती रही है लेकिन टैक्सी में सिर्फ बाइक को इंक्लूड किया गया जिसमें इन लोगों ने कोर्ट में कहा है कि लगभग पैंतीस हजार ड्राइवर्स इस रोजगार में लगे हुए हैं जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ह्यूमेटेरियन ग्राउंड पर भी और नियम कानून का सारा पालन किया जा रहा है इसको भी ध्यान में में रखना चाहिए क्योंकि जो कोर्ट दलील पेश की गई उसमें कहा गया कि आपने क्या इंश्योरेंस क्लेम का इस्तेमाल किया है अगर बाइक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उसके को पैसेंजर जो होते हैं पीछे बैठे हुए वो कहीं जाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या उस समय उसका इंश्योरेंस क्लेम होगा ओला उबर रेपिडो की तरफ से यह कहा गया कि हम जिन बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाता है उसका एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया जाता है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम उसके लिए किया जाएगा और वो क्लेम का हकदार होगा लेकिन दूसरी तरफ जहाँ तक नियम कानून का सवाल है तो उसमें तो तोड़ मरोड़ किया जा सकता है और जब सरकार ही ये चाहती है कि ये कंपनियाँ जब तक हमें पैसा नहीं देगी इसके सर्विसेस नहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो फिर क्या किया जा सकता है अरविंद केजरीवाल ने तत्काल इस पर प्रतिबंध लगा दिया और बोला कि हम जुलाई के अंत तक एक नई पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी में इंक्लूड किया जाएगा कि बाइक्स का इस्तेमाल टैक्सी के तौर पर किया जा सकता है कि नहीं यानी पैसेंजर सर्विस के तौर पर किया जाए या नहीं किया जाए अब ये मामला रैपिडो ओला उबर जैसे कंपनियों के साथ साथ जो दूसरी कंपनियां जो इस सर्विस में आना चाहती है उसके लिए भी एक बड़ा मामला है क्योंकि ऐसी ही स्थिति एक्साइज को लेकर थी जब एक्साइज पॉलिसी अरविंद केजरीवाल की सरकार बना रही थी पुरानी जो सरकारी शराब की दुकानें थी उस पर ताला लगना था पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जाना था और उसमें नए खिलाड़ियों की एंट्री की गई उसमें भी साउथ ग्रुप का इस्तेमाल किया गया और सीधे होलसेलर को कंपनी से टाइप करवा दिया गया दोनों को एक ही अधिकार दिया गया प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया गया और उसके लिए अभी तक जो बताया जा रहा है ईडी और सीबीआई के माध्यम से उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सौ करोड़ रुपया किकबैक मनी यानी इन लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सौ करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लिए अब नंबर दूसरा है ट्रांसपोर्ट विभाग का है इसके लिए अरविंद केजरीवाल छटपटा रहा था अलग अलग तर्क दे रहा है कि अब इसमें भी एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी और उस पॉलिसी के बनाए जाने तक आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते यानी कि बाइक टैक्सी नहीं चला सकते अब ये मामला कोर्ट में चला गया पहले तो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को झटका लगा उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया कि जब तक आप एक नई पॉलिसी नहीं बनाते हैं अभी की पॉलिसी के अनुसार अभी के तरीकों के अनुसार इस बाइक टैक्सी को शुरू रहने दीजिए काम चलाने दीजिए लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो किसी भी तरीके से इन कंपनियों से वसूली करनी है और इसलिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में चला गया सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में इसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर लाया कि हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया गया और उसमें वही नियम कानून का हवाला दिया गया जो सेक्शन 66 और 86 में लिखा हुआ है कि बिना परमिट के परमिशन के लाइसेंस के आप सर्विस नहीं चला सकते और अगर पैसेंजर सर्विस या गुड सर्विस का इस्तेमाल करना है तो उसे कंसर्न ऑथोरिटी से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से परमिट की जरूरत होगी यानी लाइसेंस राज राज का मतलब ही है कि उगाही तंत्र शुरू वसूली का माध्यम बन गया है और इसलिए अरविंद केजरीवाल जब यह पॉलिसी की बात कर रहा है तो पिछले चार महीनों से जब से प्रतिबंध लगा है यह पॉलिसी बनाने के लिए ड्राफ्टिंग नहीं हो रही है बल्कि सिर्फ यह तय किया जा रहा है कि इसके लिए कौन कौन सी कंपनियां कितना पैसा दे सकती है और ये पॉलिसी बनाने का समय बार बार टरकाया जा सकता है और जुलाई की जो बात की जा रही है इसे और बढ़ाया जाएगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मकसद पॉलिसी बनाना नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी के पैसा कमाने इसके नेताओं के वसूली करने का एक साधन है और इसीलिए ये लगातार इस पॉलिसी को बनाने में देर कर रहा है और प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किए हुए हैं एक लाख रुपया फाइन की घोषणा की गई है कि अगर इस प्रतिबंध के बावजूद ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियां कोई भी बाइक सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसके ऊपर एक लाख रुपया अगर कोई पकड़ा जाता है तो एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा इसलिए इस डर से ये कंपनियां या फिर जो ड्राइवर जो बाइकर अपने बाइक का इस्तेमाल कॉमर्शियल तरीके से कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक लाख रुपए का जुर्माना है और अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में सबको ब्लॉक करके ये कोशिश कर रहा है कि हम जो पॉलिसी बनाएंगे उसकी ड्राफ्टिंग उसी तरह ये एजेंसियां करे कंपनियां करे और उसके लिए हमें पैसा दे जिस तरीके से न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाने के समय में शराब माफिया से संबंध बनाए गए थे शराब माफियाओं का इस्तेमाल किया गया था अब उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई जा रही है और उस पॉलिसी में भी यह निर्धारित करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन सी नई कंपनियां आएंगी जो बाइक सर्विस प्रोवाइड कर सके और इसके लिए चाहे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाना पड़े स्टे लगाना पड़े तो इसको स्टे लगाएगा अब नया जो वसूली रैकेट अरविंद केजरीवाल शुरू कर रहा है उसके एक पॉलिसी बनने के बाद ही पता चलेगा और उस पॉलिसी बनने के बाद ही ये समझ में आएगा कि कितने करोड़ की हेराफेरी इसने की है लेकिन अभी तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है और पांच महीना पहले से उस सर्विस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो कि पिछले चार सालों से चल रहा है तो इसका मतलब है कि चार सालों में इनको इस बात की जानकारी नहीं मिली कि हमारे ट्रांसपोर्ट एक्ट के खिलाफ ये काम हो रहा है चार साल के बाद जब अरविंद केजरीवाल को यह जरूरत महसूस हुई कि हमारे नेता तो जेल में हैं, हमारा पैसा खत्म हो गया है फंड अब है नहीं लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसके बाद कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में है उसके लिए पैसा कहां से आएगा तो एक और नया वसूली का तरीका ढूंढो और अब बड़ी कंपनियां जो है जो पैसेंजर सर्विस प्रोवाइड करती है उसको टारगेट करो और उससे सैकड़ों करोड़ की वसूली करो क्योंकि इसके पास पैसा है और ये पैसा दे सकता है पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसके कारण इन लोगों को लगे कि अगर हमने पैसा नहीं दिया तो हमारे सर्विसेज ठप हो जाएगी और हमारे कमाई का साधन जो दिल्ली जैसे जगह पर है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि दिल्ली अगर पैसेंजर के मामले में भी कहें तो सैकड़ों करोड़ का कारोबार इन कंपनियों को दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से ही होता है छोटे छोटे शहरों से कमाई नहीं होती है और इसलिए केजरीवाल का नया ये वसूली का धंधा फिर से शुरू हो चुका है लेकिन जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जैसे ही यह मामला हाई कोर्ट में स्टे के बाद सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा है इसके ऊपर नजर है और इस बार अरविंद केजरीवाल सीधे इसमें फंसता दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इसका वसूली गैंग जो है जितना भी छटपटा ले जितना भी स्मार्ट तरीका अपना ले, लेकिन चोरी तो चोरी होती है वो पकड़ी जाएगी ही तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें धन्यवाद